दिल्ली में 2022 तक तैयार होगा नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनेगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर। भाजपा नेता कर रहे प्रचार। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का एनसीपी चीफ शरद पवार पर बड़ा बयान। यूपीए का चेयरमैन बनाने के सुझाव पर भड़के। बोले, राहुल गांधी के विरोध के जरिए कांग्रेस को मिटाने की कोशिश। 23 हस्ताक्षरों वाली चिट्ठी वायरल। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया है सुझाव। दिल्ली में 15वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। सरकार के खिलाफ 14 दिसंबर को फिर भारत बंद की तैयारी। किसान संगठनों का ऐलान, देश भर में और तेज होगा आंदोलन। कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में डटे हुए हैं हजारों किसान। राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। 636 जिला परिषद सीटों में से 353 पर जमाया कब्जा। कांग्रेस को 252 पर मिली जीत। 21 जिलों में हुए थे चुनाव। पेट्रोल की कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी के पुराने ट्वीट के सहारे बोला हमला। ट्विटर पर लिखा, महंगाई रोकने में एनडीए सरकार फेल। मोदी ने गुजरात का सीएम रहते बढ़ती पेट्रोल कीमतों पर यूपीए सरकार को बताया था निकम्मी। पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। भारत की ओर से 5 साल में किए गए कार्यों की दी जानकारी। भारत ने छोड़ा केवल 3% एमिशन। चाइना प्रदूषण फैलाने में सबसे आगे। चाइना हैज 13% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशंस एंड इंडिया हैज ओनली 3%। तो भारत केवल 3% हिस्टोरिकल, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसमें भारत का योगदान केवल 3% है। तो इस समस्या को भारत जिम्मेवार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर बन रहे खोपोली से कुसगांव तक नए महामार्ग के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। प्रोजेक्ट कैंप पहुंचकर अधिकारियों से निर्माण की स्थिति और गुणवत्ता पर की चर्चा। कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। सीएम उद्धव ठाकरे का विविध उपक्रमों के निरीक्षण के लिए दौरा जारी। कोयना डैम और परिसर में किया दौरा। समेकित विकास के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। मुंबई के लिए कोयना से होती है जलापूर्ति। महाराष्ट्र में 18,68,172 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 71,910 एक्टिव केस। 24 घंटे में सामने आए 3824 नए मामले। पुणे, ठाणे और मुंबई में कोरोना संक्रमण ज्यादा। अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों की हो चुकी है टेस्टिंग। बीजेपी ने सरकार को नियंत्रण में बताया फेल। नई की जर्जर इमारतों के रहवासियों के लिए बड़ी राहत। सीएम उद्धव ठाकरे ने दी 4 FSI की औपचारिक मंजूरी। सिडको को फिजिबल प्रस्ताव पेश करने का निर्देश। बीजेपी विधायक मंदा मात्रे की मांग पर फैसला। सिडको के जरिए पुनर्विकास पर जोर। नवी मुंबई का रीडेवलपमेंट और धोखादायक इमारती के लिए मैंने आगाड़ी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनसे प्रयास किया था कि 4 पैसे अगर देंगे तो रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ की जो धोखादायक इमारत है उसको हम पुनर्विकास कर सकते हैं और उसकी आज इतिवृत्त पे मान्यता मिली है। नवी मुंबई की मेगा हाउसिंग योजना में पुलिस कर्मियों को महंगे मकान बेचने पर घिरा सिडको महामंडल। LIG मकानों पर 2 से 3 लाख से अधिक कीमत लेने का आरोप। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने उठाया सवाल, जब पुरानी है हाउसिंग योजना तो फिर ज्यादा कीमत क्यों? अशा परिस्थितीत नव्याने आपण घर देत नाही आहात। 2018 एक पर स्क्वेअर फीट बांधकामाचा खर्च 1200 रुपये सिडकोला आला असेल। सिडकोने ते शिरके किंवा कोणाला तरी तो दिला असेल, तर तो त्याच बांधकाम खर्चामध्ये 2020 घर देणार आहे। त्याला काय नव्याने तुम्ही 2020 बांधकाम खर्च 200 रुपये वाढून 500 रुपये वाढून देणार नाही आहात। म्हणजे सिडकोला याच्यात तोटा नाही आहे कोणत्याही परिस्थितीत। आपण पोलिसांबद्दलची भावना आणि कृतज्ञता लक्षात घेऊन ही गोष्ट करायला पाहिजे होती। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।